तो गाइस आज की वीडियो में होने के वाला है माइनक्राफ्ट की वीडियो में कि जैसे जैसे मैं जंप करूँगा वैसे वैसे मुझे आइटम्स मिलते जाएंगे, जैसे कि फेंस गेट हो सकता है, हीलिंग पोशन हो सकता है, या फिर एक पिकेक्स हो सकती है गोल्डन या नेदर पिकेक्स। तो देखो मुझे इनविजिबिलिटी का एक अवर मिल चुका है, ब्लैक बैनर मिल चुका है, और सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे तोड़ लेता हूँ। और देखो यार यहाँ पे लाइनिंग आने लग गई है, मैंने इसमें कुछ सेटिंग की थी, तो अगर आपको सेटिंग चाहिए तो बोल देना, मैं वीडियो बना दूँगा उसके ऊपर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसे तोड़ लेता हूँ, और देखो इसमें एनिमेशन भी दिखाने लग गया है। तो मुझे दो वुड मिल चुके हैं और मुझे कम से कम बहुत ज़्यादा वुड चाहिए। सबसे पहले मुझे क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट करनी है, उसके बाद एक वुडन का पीक है जिसकी वजह से हम तोड़ पाए हमारा कोबल स्टोन। तो ऑब्सीडियन देखो मुझे जंप करने पे एक ऑब्सीडियन मिल चुका है, और अभी मैं वेट करता हूँ कि मुझे कब कोई सा वीपन मिले, क्योंकि अभी वीपन बहुत ज़रूरी है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। देखो मुझे सी पिकल मिल चुका है और ओक लोग भी मिल चुका है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बंदे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, और अभी हमें और वेट करना होगा दूसरी चीज़ों के लिए। अभी मैं जंप करता जाऊँगा ताकि मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलती जाएँ। तो देखते हैं कि अभी एक क्राफ्टिंग टेबल में बना लेता हूँ। और देखो यार ये छोटा हो चुका है, मैंने इसमें कुछ सेटिंग में बॉबिंग व्यू बॉबिंग है वहाँ पर आपको ऑन कर देना है, ताकि आपको ऐसा कुछ देखने के लिए मिल जाए। तो ऐसे बहुत मज़ेदार है, इसमें जावा का फील आता है। और देख लेते कि भाई और क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, और देखो यार ये शेडर जो है यहाँ पे कितना मस्त अंधेरा है, मतलब लग रहा है कि मैं जंगल में। मुझे एक मॉन्स्टर स्पोनर भी मिल चुका है जिससे मैं एक्सपी फार्म बना सकता हूँ। तो इसका सेकंड पार्ट के लिए 10 लाइक का टारगेट है, तो 10 लाइक कर देना। और यहाँ पे देखो कि मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी है, और अब मैं बना सकता हूँ मेरी एक स्वाड और एक पिकेक्स। तो पिकेक्स बन चुकी है और एक स्वाड बना लेते हैं। मुझे बबल कोरल मिल चुका है, एरोफुल लीपिंग स्पाइडर आई शेल का वर्क वुड प्लैंक और रैबिट का हाइट। मुझे टेराकोटा भी मिल चुका है, म्यूजिक डिस्क और पॉलिश ग्रेनाइट स्टेयर्स भी मिल चुके हैं। तो और यहाँ पे एक शीप है, तो अगर मुझे शेयर मिल जाता है तो हम इसके हेयर काट देंगे। तो देखते हैं कि और क्या क्या है इसमें। और देखो कि मुझे यहाँ पे एक चेस्ट भी मिल चुका है, और चेस्ट में दो ले लेता हूँ, मैंने बना लिए दो चेस्ट। वैसे मेरे पास वुड ख़त्म हो चुका है, तो अभी हमें वुड की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं चेस्ट लगा देता हूँ ताकि सारी चीज़ों को स्टोर करके कुछ नई चीज़ें अपन इसमें ऐड कर पाएँ, क्योंकि मैं अगर जंप करूँगा तो और चीज़ें तो शायद से आएंगी या फिर बाहर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हीलिंग पोशन डाल देते हैं शल्कर बॉक्स, और मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, लेदर भी है, टेराकोटा भी, और यहाँ पर म्यूज़िक डिस्क भी है। वैसे म्यूज़िक डिस्क के लिए मुझे म्यूज़िक बजाने वाला अभी वो यंत्र चाहिए, पर अभी मेरे पास नहीं है वो इंस्ट्रूमेंट अभी नहीं है। देखो मुझे स्टिक वापस मैंने फेंक दी थी। और वैसे इस शेडर में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यार, मतलब एकदम जावा वो वाला फील आता है RTX वाला। पर देखो मुझे रेड वुल और डायमंड की पिक्स मिल गई, ओ माय गॉड, और नेदर का स्प्राउट मिल चुका, पर मुझे नहीं पता कि नेदर का स्प्राउट किस काम का है। तो वैब डिस्टर्स ड्यूराइट वॉल ब्रिक, एक ईंट भी मिल चुकी है हमें जिससे हम घर बना सकते हैं ईंट से। तो ब्राउन डाई मिल चुकी है सर, और लेदर का हॉर्स आर्मर मिल चुका है, मतलब मैं हॉर्स टैम कर सकता हूँ। और देख लेते कि हमें क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ खोद लेता हूँ ज़मीन के नीचे ताकि मुझे और चीज़ें मिल पाएँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं ट्राई, देखो यहाँ पे लाइनिंग आने लग गई है, और ये जावा वाला बिल्कुल मतलब। और देखो मुझे कार्टियोग्राफी टेबल मिल चुकी है जिससे मैं एक पेपर से अपना मैप बना सकता हूँ, और बहुत सारी देखो एंडरमैन का एग भी मिल चुका है, यानी मैं एंडरमैन भी स्पॉन कर सकता हूँ, और एक ऑक्स सैपलिंग मिल चुका है यानी एक वुड का ढांचा जिसे बोलते हैं वो भी मिल चुका है मुझे। और यहाँ पे मैं खोद लेता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे कोबल स्टोन मिल पाए, और एक काम करेंगे कि डट लगा के अपन ऊपर पहुँच जाएंगे। सबसे पहले मैं कोबल स्टोन निकाल लेता हूँ बहुत सारे। तो जैसे जैसे कोबल स्टोन निकाल लेंगे वैसे वैसे अपन डायमंड की पिकेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर हम एक स्टोन की पिकेक्स बना लेंगे जिससे वो जल्दी नहीं टूटे। तो हमें काम करने वाला है कि हम नाइट का एक अलग पार्ट बना लेंगे, तो इसके लिए 10 लाइक कर देना दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेते हैं, और ये मोड की लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से कर लेना डाउनलोड। तो सबसे पहले डट से अपन ऊपर चलते हैं, तो डट तो है मेरे पास, अब हम ऊपर आ जाते हैं डट से। तो मैं डट से ऊपर आ गया हूँ, और अब मुझे यहाँ पर बना लेना चाहिए मेरा कोबल स्टोन का एक स्वाड। तो कोबल स्टोन का स्वाड बनाने के लिए मुझे चाहिए स्टिक, 2 स्टिक है मेरे पास, और 18 कोबल स्टोन है। तो एक काम करते हैं, जो फालतू चीज़ें मैं रख देता हूँ यहाँ पे, तो देख लेते हैं मेरे पास 2 स्टिक है। कार्टोग्राफी टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, इसे यहाँ पे लगा देंगे ताकि बैग थोड़ा बहुत खाली हो जाए, और ऐसे भी एंडरमैन को बाद में स्पॉन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ सारी जो चीज़ें हैं जो काम की नहीं है।
तो मैं सारी चीज़ें इसमें रख देता हूँ। पहले शल्कर वैसे मेरे पास दो दो हैं, और इसके अंदर अपन बहुत सारा बॉक्स में कुछ रख सकते हैं, तो देख लेंगे क्या क्या रखना है। और यहाँ पे देखो मुझे ब्रिक तो नेदर नेदर और इतना नेदर है उसके जैसे लग रहा है। और यहाँ पे हॉर्स आर्मर भी है, तो मैं एक हॉर्स टैम कर लूँगा बाद में। सबसे पहले यहाँ पे स्टेयर्स रख लेते हैं, और कुछ अंडा है यहाँ पर एंडरमैन का, उसे भी मैंने रख लिया है। और एक ट्री है, और एक फ्लोवर भी है, तो इतनी सारी चीज़ें चलेंगी। और मिल्क भी तो मैं पी लेता हूँ, एक काम करता हूँ, तो मिल्क तो मुझे पी लेना चाहिए, क्योंकि वैसे फूड तो फूल है मेरा, तो मिल्क तो पीने में वैसे कुछ नहीं मिलेगा मुझे। पर ये तो एक साल से गार्डियन गार्डियन के काम आएगा, जब मुझे गार्डियन वो पॉइजन कर देगा जब काम आने वाला है, तो उसको थोड़ा टाइम देते हैं। अब मुझे कैरोट मिल चुका है, कैरोट अभी नहीं खाना है यार, अभी कैरोट की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं जंप कर रहा हूँ, मुझे कैरोट के अलावा अभी तक कुछ चीज़ देखने को नहीं मिली है। जैसे गेम लैग कर रहा है इसकी वजह से नहीं मिल रहा है। देखो बैटरूट सीड मिल चुका है जंप करने के बाद, शल्कर बॉक्स मिल चुका है, अरे कितने शल्कर बॉक्स देंगे। एक स्मूथ स्टोन मिल चुका है, और अब एक कार्टोग्राफी टेबल यहाँ पे लगा देते हैं। देखो यहाँ पे कितना मस्त लग रहा है माइनक्राफ्ट, मतलब जब से मैंने कुछ सेटिंग चेंज करी है उसके बाद से माइनक्राफ्ट बहुत अच्छा लगने लग गया। तो स्टोन स्वाट लेके हम इसको मारते हैं स्टोन स्वाट से, तो ये दो बार में मर चुका है, और अब मुझे आ जाना चाहिए। देखो ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है, तो देखो मुझे बैम्बू म्यूजिक डिस्क आयरन शॉल मिल चुका है, आयरन शॉल अच्छा है, मैं सैंड निकाल सकता हूँ इससे। तो ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है, इसलिए सेकेंड पार्ट के लिए 10 लाइक कर देना, ताकि हम एक बड़ा पार्ट ला पाएँ। तो देखो मुझे मिल्क से कुछ नहीं होने वाला, ये तो पॉइजन के काम आता है। वाइट कार्पेट मिल चुकी है मुझे, और यहाँ पे ग्लास भी मिल चुका है। देखो अब मैं जंप कर रहा हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी जो मुझे वो सारी चीज़ें मिल चुकी है जिसकी वजह से गेम लैग हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरा मोबाइल का इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग FPS नहीं है। मुझे एक ऑरेंज कारपेट मिल चुका है, डेड बबल कोरल ब्लॉक, और एक स्पॉन एंडर गार्डियन, यानी अब मैं एंडर गार्डियन को भी स्पॉन कर सकता हूँ। और एक टॉप स्नो भी मिल चुका है, देखो अगर मैं जंप करूँगा तो और चीज़ें मिल सकती है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको शेयर भी कर देना, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कुछ ऐसा मोड भी है जिससे जंप करने पे ये मिलता है। तो ये काम करते हैं, कोबलस्टोन को लगा के ऊपर चले जाते हैं, ताकि कोई मुझे ज़ोंबी हाथ नहीं लगा पाए, वरना किसी ने हाथ लगाया तो बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं ऊपर आ जाता हूँ, और अब इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।